बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ नज़र यू आर वाचिंग सेम लड़की की लाइफ। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह आप सब लोगों को इस तरह हंसता बसता खुश और आबाद रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ करते हैं जी आज के ब्लॉग का आगाज़ कि अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफा दे, तमाम औलादों को औलाद दे और तमाम बेरोज़गार भाइयों को अच्छा सा रोज़गार दे। और देश परदेश से जितने मेरे बहन भाई देख रहे हैं ना, तमाम बीमारों को शिफा दे जी, तमाम औलादों को औलाद दे और तमाम बेरोज़गार भाइयों को अच्छा सा रोज़गार दे जी, दे आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। ठीक है, इस दुआ की सदका रहे जी हम आज के ब्लॉग का आगाज़। ठीक है, अभी मैं आई हूँ कमरे में और करने लगी हूँ काम, तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ रहना है। वीडियो कम्प्लीट वॉच करनी है, स्किप नहीं करनी, लाइक कमेंट शेयर करना है दिल खोल के और बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, फटाफट से जाएँ चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक कमेंट और शेयर। और जो मेरे भाई गलत कमेंट करते हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि माजरत, प्लीज़ गलत कमेंट मत किया करें, प्लीज़ मेहरबानी करें। किसी को जो है ना गलत नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, कभी कभार पॉजिटिव नज़रिया भी देखना चाहिए कि शायद अगले की कोई वजह होगी, मजबूरी होगी, इसलिए जो है ना ब्लॉग पे आया है या कुछ कर रहा है। लेकिन उसको अपने मतलब के लिए नहीं देखना चाहिए कि हाँ जी हमें ये चीज़ देखनी है तो हम तभी ब्लॉग देखेंगे, वरना हम ब्लॉग नहीं देखेंगे। ये क्या बात हुई? आप लोग मेरे फैमिली हैं तो फैमिली मेरे से बात करें ना, मेरे सपोर्ट करें ना। मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करें जब मैं आपको बार बार कह रही हूँ आप लोग मेरी फैमिली हैं? फैमिली फैमिली तो वो होती है जो एक दूसरे को ऐसे इकट्ठे होकर सपोर्ट करते हैं ताकि सब इतने मजबूती से जुड़ जाए ना कि कोई जो है ना वो कुछ ना कर पाए। लेकिन जो लोग गलत कमेंट करते हैं ना, जितने मेरे बहन भाई गलत कमेंट करते हैं, मुझे बहुत दुख होता है, सच्ची बताऊँ तो बहुत तकलीफ़ होती है दिल। आप लोग फिर कहते हो कि जब तक आप हमारी मर्ज़ी का व्लॉग नहीं बनाओगे, हम लोग व्लॉग नहीं देखेंगे, आपके व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे, आपका कुछ नहीं होगा। अभी ये जो है ना संडे भी थोड़ी देर पहले की बात है, मैंने यूट्यूब खोला था तो वहाँ पे एक भाई का आया था कमेंट कि जी ये हमारी मर्ज़ी की वीडियो नहीं बना रही है तो सब लोग अनसब्सक्राइब कर दो। भाई क्या वजह है, क्या बात है, अपने मतलब की चीज़ क्यों देखते हो? आपके मतलब के लिए ढेर चीज़ें हैं, तो कम से कम किसी को तो सपोर्ट करो अच्छे से। रिक्वेस्ट करती हूँ इस तरह का गलत कमेंट मत किया करो। आपके घर में भी माँ बहन होगी, क्या आप अपने माँ बहन की इज्जत नहीं करते? दूसरे की बहन की इज्जत नहीं कर सकते, बेटी की इज्जत नहीं कर सकते, बहन की इज्जत नहीं कर सकते किसी की? अगर अपने बहन माँ की और बेटी की इज्जत कर सकते हो तो आपको दूसरे की बहन और बेटी और माँ की भी इज्जत करनी चाहिए। क्योंकि आज आप किसी की रिस्पेक्ट करोगे ना तो कल कोई आपके लिए भी रिस्पेक्ट, आपकी माँ बहन बेटी के लिए भी रिस्पेक्ट करेगा। आज आप गलत नजर से किसी को देखोगे, कल को आपकी माँ बहन और बेटी को गलत नजर से देखेगा। सो प्लीज़ अगर मेरी बातें आपको गलत लगी हों, अच्छी ना लगी हों, दिल दुखा हो तो उसके लिए माजरत माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़ इस तरह के कमेंट मत किया करें। 100 बंदे की मजबूरियाँ होती हैं, हर एक मजबूरी नहीं समझ सकता। बहुत कम लोग हैं जो दूसरे के चेहरे पर उसकी परेशानी पड़ सकते हैं, लेकिन आप लोग ने अभी मैं जल्दी से बना लूँ अपना व्लॉग। ठीक है जी, अहमद को आज जल्दी छुट्टी लेके आ गए थे अहमद के बाबा की, किसकी तबीयत हो गई थी ज़रा अपसेट स्कूल में, तो सर ने कॉल किया कि इसकी तबीयत नहीं ठीक तो आप इसको ले जाए, तो वोमिट हुई है वहाँ पर, पता नहीं किस वजह से हुई, किस वजह से आई डोंट नो, लेकिन हुई है। उन्होंने कॉल किया कि आप आके ना इसको ले जाएँ, इसको दवाई दें लेके, तो इसको लेके आए, आते हुए दवाई लेके आए, बहुत लेट हो गई थी। तो अभी मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं बिस्तर से मेट लेती हूँ मैं अपने, ठीक है काम वाम करते हैं फिनिश। और जब मैं व्लॉग बना रही थी तो मेरे हस्बैंड आ गए, तो इसलिए मुझे ना वहाँ को जरा रोकना पड़ा अपना कैमरा, तो बाकी अल्लाह पाक खैर करे।
आज मैं ना जब अहमद को लेने गई थी, जब कॉल आई थी सर की, है ना, फर्स्ट टाइम जिस गली में अहमद का स्कूल है ना, उसी वाली मार्केट में आगे करके एक बच्चे ने ना ठेला लगाया था, समोसे पकौड़े चाट वगैरह जो है ना वो बच्चा सेल कर रहा था, चिप्स वगैरह मतलब फ्रेंच फ्राइज में वो बना के, है ना, उसे देख के ना थोड़ी सी परेशानी भी हुई, लेकिन इस एक बात की खुशी भी हुई। खुशी इस बात की कि उसके बच्चे की ना एक बाजू जो है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो बाजू को ऐसे डायरेक्ट यूँ नहीं कर सकते, अपने जिस्म की सपोर्ट से इस बाजू से ना यूँ करता है, यहाँ से उसके बाजू में ना कुछ प्रॉब्लम है। उसके बावजूद उसने ठेला लगाया है, चीज़ें सेल कर रहा है, इज्जत की रोज़ी कमा रहा है। देख के बहुत खुशी हुई कि अल्लाह पाक ने उसको इतना हिम्मत दी, उसको हौसला दिया कि अगर उसकी एक बाजू नहीं काम कर रही है, उसके बावजूद उसने ठेला लगा के अपने घर का सफर चलाया। बच्चा था, बहुत ज़्यादा एजेड उम्र का भी नहीं था अभी तक, शायद वो उसकी शादी की भी उम्र नहीं हुई, लेकिन ये बहुत खुशी हुई। तो मजबूरियाँ होती हैं घरों की, हो सकता है बच्चा घर चला रहा हो इसी तरीके से, माँ बाप की हिम्मत कर रहा हो। अरसा हो गया लगे हुए गर्मियों तो बाद जरा अंदर ही इस्तेमाल घट ही होंगे रहा, धूल तरह पी सी धूल और बाद सब कुछ अंदर ही रह गया, धूल बहुत आँगी सी, नेरिया इन आई इनका कुछ हिसाब नहीं। लो जी ब्लॉग मेरा तकरीबन हो गया कंप्लीट, हूँ तुम दसो कि तुहानू व्लॉग अज का कैसा लगा, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो, सपोर्ट करो, तुहाड़ी भैन लगदी है, तुहाड़ी धी भी लगदी है, जिन्हें देखने वाले किसी की मैं धी लगदी, किसी की भैन लगदी, ठीक है सारा कुछ। बाकी सब नू कहनी कि बहुत शुक्रिया मेरा व्लॉग देखने का, कंप्लीट वॉच करिया करो, तो बहुत सपोर्ट करो, मजीद सपोर्ट करो, ताकि जल्द से जल्द मेरी यूट्यूब तो अर्निंग स्टार्ट हो सके, ताकि मैं अपने घर वास्ते कुछ कर सकता, अपने बच्चे का मुस्तकबिल सिक्योर कर सकता, अपना घर अच्छा कर सकता, रेडी कर सकता। उस तो बाद जरा ना एक ख्वाहिश जी दिल की अल्लाह तला के घर की ज़्यादत कर, उमरा करने का शौक है, लेकिन ख्वाहिश है कि अपने पैसों ना जाए, किसी की सपोर्ट नहीं। हूँ तुम दसो, मैं बहुत ही ज़्यादा शौक है यार, इस रमज़ान से मैं ज़्यादातर अल्लाह तला को यही मंगना कि अल्लाह पाक जल्द तो जल्द मैं अपने घर का ना दीदार नसीब कर दे, अपने घर की ज़ियारत नसीब कर दे। बहुत शौक है अल्लाह ताला दा हुजूर जाने का, बहुत शौक है, लेकिन क्यों करें और कुछ भी नहीं है। कदे कदे सोचती हूँ मेरे बच्चे जो हम शुरू हुए हैं, इन्हों के पैसे जोड़ के कमेटी कर लें, कदे तो पैसे पूरे हो ही जाएंगे, अज उम्र वास्ते हज पैर बहुत बड़ा काम है, बस पैसे भी ज़्यादा चाहिए, कम से कम उम्र तो नसीब हो जाए, लगा दे घर की ज़ियारत एक बार कर लें। चौल पे खत्म घर चौल दिखे घर टेस्ट कर दिल देखी ज़्यादातर पता क्या कहते हैं, कहना तू चावल ना खाया कर, तो आलू तो भी दूर है, चावलों तो भी दूर है, गोभी तो दूर है, बाबा दी चीज़ा सारिया तो दूर हो, तुम मोटे हो जाओ, पर कोई नहीं चावलों का टेस्ट अपना ही नहीं छड़ सकते है, वैसे चावलों से आलू पे बाहर कोई आया मैं देख नहीं आई। लाइक कमेंट शेयर कर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।